अभी कमरा पूरा अस्त व्यस्त है क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग। सामने हमारा है बैग और ये है मेरे हाथ में लड्डू, मेरा है व्रत तो मैं खा रही हूँ लड्डू। तो ये बैग है जो मुझे पैक करना है क्योंकि हमें संडे को निकलना है घर चंडीगढ़। तो कर लेते हैं फटाफट से पैकिंग, मिलता है उसके बाद। गाइस शाम के 6:40 हो चुके हैं और हवा आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया चल रही है भाई, और गरम गरम से हवा है लेकिन ठंडी भी है। और हम आज गांव से आए हैं, गांव से हम अभी आए हैं तो मनसा भी नहीं लग रहा है क्योंकि वहां सब थे और यहां हम ही 4 जने हैं। बच्चे तो फिलहाल बोल रहे हैं कि मन लग रहा है, तो देखते हैं अभी। दक्षिण मन लग रहा है ना? हाँ। बच्चे तो वो खेलते रहे भाई, बाकी अभी थोड़ी बहुत देर में बोर होकर बोल सकते हैं कि अम्मा के घर जाना, नानी के जाना, जो भी है। तो भाई अटपटा सा भी लग रहा, थोड़ा बहुत जी सा नहीं लग रहा क्योंकि घर में जो है बड़ा परिवार छोड़ कर आए हम और यहाँ पे हम अकेले हैं और कुत्ता नीचे भौंक रहा है लगातार, भौं भौं भौं। और हमारे घर के साथ कुछ ऐसी हो रही है, यानी कि कीड़ी जो पूरी कीड़ी रहती है वो वापस आ चुकी है, हर जगह कीड़िया कीड़िया देखने को मिल रही है। तो देखिए हमारे घर की हालत। समझ जाना भाई इसने क्या बोला, ठीक है। गाड़ी में बैठ के चंडीगढ़ आ गया हम। चलो मौसम दिखा देते हैं भाई कैसा कुछ हो रहा है यहाँ का माहौल। शाम तो लगभग हो ही चुकी है और ठीक है, इतनी गर्मी नहीं है फिलहाल। तो कल सुबह दोपहर में देखते हैं कैसा माहौल रहेगा। और मौसम आप सामने देख ही सकते हैं, बढ़िया पहाड़ चमक रहे हैं यहाँ से, मतलब फिक्के फिक्के सामने। और इधर देखिए भाई साहब, ग्रीनरी और फूल बहुत सारे खिल चुके हैं, ये देखो कितने सारे फूल। और उधर गेट के सामने तो बड़े मस्त फूल खिल रहे हैं। हमारे घर की हालत कुछ हो रही है ऐसी, जिधर देखो सामान सुमून फैला पड़ा है, कल को सफाई में लगने वाला है बहुत टाइम। पूजा भी मैंने कर ली है कहाँ पे, और ये दक्ष के खिलौने इधर फैले हुए हैं, उधर कपड़े पड़े हुए हैं, और किचन भी कुछ ऐसा हो रहा है पूरा। और इसमें मैंने गरम कर दिया कढ़ी, ये जो कल मम्मी ने कढ़ी बनाई थी मम्मी जी ने, तो वो हम लेकर आ गए थे, इसको कल को खाएंगे। इसमें पूरी है, सब्जी है जो लेकर आए थे, और ये है घर का दूध, गाय का दूध, ये भी लेकर आए हम हैं। आलू काट, जिन्हें आलू काट या लो काट कुछ बोलते का, और भी हैं वो अलग रखे हुए बैग में। तो ये खाने में नमक के साथ बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ और मन्नु पड़ गई है अपने स्थान पे विराजमान, वहाँ तो उसका पता ही नहीं रहता था कहाँ रहती थी कहानी, और यहाँ चल चुका है टीवी, कोई स्टोरी देख रही है ये। और हमारे कान्हा जी ने भी ड्रेस चेंज कर ली है, ये भी रेस्ट मोड पे है। इधर हमारा सामान है जो धीरे धीरे करके अनपैकिंग होगा, और चप्पल जूतों की तो बहुत ही लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं, या फिर बाहर से देखते हैं कुछ, यहाँ नीचे जो ये है ना कैंटीन है तो यहाँ से कुछ मंगा लेंगे। सब्जी हमारे पास बची हुई है, रोटी वगैरह मंगा लेंगे वो खा लेंगे। और परसों से नवरात्रि स्टार्ट है तो कल उसकी भी सफाई वगैरह करनी है। The next day. Hello everyone, good morning. कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग स्टार्ट हो रही है सुबह से, और अभी टाइम हो चुका है 9 बज चुके हैं, और अभी हम आए हैं मंदिर से क्योंकि आज है मंडे, शिव जी के मंदिर में गए थे, और आज है सोमवती अमावस्या भी, तो अभी पूजा की मैंने और हम गाय को खाना भी देकर आ गए हैं उधर से उधर ही। तो आने के बाद बना रही हूँ मैं मन्नू के लिए डोसा, इधर बन रहा है ये डोसा, और ये है पैकेट जो मैंने ऑनलाइन मंगाया था डोसे का, तो इसमें काफ़ी बन जाते हैं और अच्छा बनता है घोल, इसका पेस्ट तैयार कर लो और बना लो, काफ़ी अच्छे बनते हैं। और अगर मैं आपको अपने किचन की हालत दिखाऊंगी ना फिलहाल, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से काम स्टार्ट करूँ कहाँ से नहीं, क्योंकि पूरा किचन तो फैला हुआ है, बाहर भी फैला हुआ है, कीड़ियाँ फैल रखी सारे में, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तो मन नहीं लग रहा है, और एक समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या काम करो। आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकलने वाला है, और मन्नू की है छुट्टी आज की, रात ही पता चला हमें आके, क्योंकि आज कुछ यहाँ पे किसी गुरु, मतलब पता नहीं किसी की जयंती है जो पंजाबी लोग हैं उनकी, उनमें से ही, तो इसलिए आज मन्नू की छुट्टी है, कल स्कूल जाना है, और दस को तो 10 मई जाना है अभी। तो मैं आपको दिखाऊँ किचन अपना, ये जी हमारा किचन, यहाँ से स्टार्ट है फैला हुआ, इसमें दाल चावल बनाए थे मैंने, इधर ये डोसे का बैटर घोल रखा है, इधर डोसा बन रहा है, उधर चाय है, और सब जगह सामान पूरा फैला हुआ है किचन में। और ये आलू काट जो मैं बता रही थी मोरो सारे लेकर आए थे। और अगर बाहर देखो तो बाहर उससे भी ज़्यादा बेकार हो रहा है, मतलब बस समझ में नहीं आ रहा है कहाँ क्या काम करना चाहिए। और मनु तो ठीक है, मर्द दश परेशान कर रहा है,
अभी बोल रहा था कि मुझे अम्मा के घर ही रहना था, यहाँ नहीं आना था वापस चंडीगढ़। तो देखते हैं एक दो दिन करेगा, स्कूल खुल जाएंगे ना तो सही हो जाएगा। फिर शाम के 5:15 बज चुके हैं और मैं घर का सारा काम करके यानी क्लीनिंग वगैरह करके निपटी थी 2:30 बजे, और उसके बाद फिर खाना वाना खाया। तो मैं दक्ष को सुलाने के लिए लेटी 3 बजे के आसपास। तो मैं उसे सुलाने के लिए लेटी, मुझे भी इतनी अच्छी नींद आई, नींद कैसे लग रहा जैसे कहीं चढ़ाई करके आई हो, थकान भरी नींद ना। और अब भी मैं बहुत मुश्किल से उठी थी, मतलब आँख ही नहीं खुल रही, इतनी नींद आ रही थी। तो उठ के मैंने अभी चाय बनाई है, चाय हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुकी है खद्दा लग लग के। और इधर मैंने भुनी है ये कचरी, मन्नू भी मांग रही थी, उनका चलो बना देते हैं। और धूप देख लीजिए किचन में, सर्दियों में तो आती नहीं, गर्मियों में आ रही धूप इधर भी, और थोड़ी सी धूप आती है इस समय यहाँ पे। सूरज जैसे घूम गया ना तो उसकी धूप जो है इधर आ रही है अभी। बाकी अभी धूप तो बहुत तेज़ है और 5:30 बज चुके हैं, और इन्होंने ये ना ये जमा के रख दिया बर्फ फ्रिज में। तो वो बोल रहा है कि इस बर्फ़ से खेलना, और अभी सो के उठाया और एकदम उठती उससे पहले डिमांड यही थी कि फ्रिज खोलो बर्फ़ जम गई होगी। तो देखते हैं बनाते हैं उसको पहले कि चाय दूध वगैरह पी ले, उसके बाद खेलना है। और अभी मंदिर भी साफ करना है क्योंकि कल है पहला नवरात्रा, तो मंदिर में भी चुन्नी वगैरह लगानी, मुझे डांट मंदिर से मिली थी, हम घर गए थे। हो चुकी है रात के खाने की तैयारी, मैंने कुछ आलू काट लिए हैं बारीक बारीक, इनको मैं कढ़ाई में छोकती हूँ अभी। तो रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि 6:30 हो चुके हैं, उसके बाद फिर इनकी 7:45 मीटिंग भी है, तो उससे पहले मैं इनका सब्जी बना लेती हूँ, रोटी सेक लेंगे 7:30, हम जल्दी खाना खा लेते हैं, वैसे जल्दी ही खाना चाहिए। अच्छा जल्दी खाना खा के हजम हो जाता है, और अगर लेट खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता। तो मोस्टली हम अधिकतर 7:30 तक खाना खा ही लेते हैं। बच्चे दोनों बाहर खेल रहे हैं, हम बोल रहे थे बाहर चले चलो, पर मेरा तो भी काम है, वो 6:30 तक फ्री होंगे तब लेके जाएंगे इनको नीचे। ये फिर रही है मन्नू, बाल में तेल भी लगाना है बिट्टा भी। और इधर दक्ष है, ये खेल रहे हैं दोनों, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तो काफ़ी बच्चे थे। हाँ ये दोनों ही हैं, दोनों ने ये वाला घर बनाया। बैग का डब्बा है ये, जो हमने अभी न्यू बैग मंगाया था ऑनलाइन उसका डब्बा है ये। इधर इन्होंने कुछ खिलौने रखे हुए हैं ये, और खेल रहे हैं दोनों, टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपना। अभी जाएंगे नीचे लेके इनको, अभी मंदिर में भी मुझे लड़ी तो लगी हुई है, बस क्लीन करके चुन्नी वगैरह लगाना है। नारियल तो कल ही रखा रहेगा, नारियल तो हम सुबह उस मंदिर में गए थे ना, शिव मंदिर में जो पीछे है वहीं से ले आए थे, बाकी वो तो स्थापित सुबह ही करेंगे, बस थोड़ी सी सफाई करनी है वो करती हूँ मैं।